नमस्कार, मैं ईशानी राजपूत, स्टूडेंट ऑफ द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू एंड वॉलंटियर ऑफ इंस्पायर्ड जेंस इनिशिएटिव बाय द डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। इस समय मेरे साथ जो शख्स मौजूद हैं उन्हें किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। बजरंगी भाईजान में मुन्नी के पापा और शेरशाह फिल्म में हैदर का किरदार निभा चुके हैं। वन ऑफ अ वेरी सन ऑफ द सॉयल मीर सरवर सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। और बड़ा अच्छा लगता है जब आपके अपने स्टेट के, अपने शहर के, अपने यूटी के लोग आपको बुलाते हैं, अपने आपके काम को सराहते हैं। और इट्स अ गुड फीलिंग, लाइक एज आई एम बेस्ड इन मुंबई राइट नाउ, लेकिन जो अपनी अपना होम टाउन जो हमारा रहता है उससे एक अलग लगाव रहता है। सबसे पहले हर कोई यही सवाल पूछते हैं कि आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपकी फैमिली से कोई एक्टर था, कि बचपन से शौक था कि एक्टर बनना है? काफ़ी सारी टाइम स्कूल टाइम में हमें कोई भी टीचर पूछता था आपको क्या बनना है, पायलट बनना है, डॉक्टर बनना है, तो क्या आप में बचपन से पैशन था कि नहीं मुझे एक एक्टर ही बनना है? बिल्कुल नहीं, मेरी फैमिली में दूर दूर तक इस फील्ड से जुड़ा कोई नहीं है। आई एम द फर्स्ट पर्सन इस मीडिया फील्ड में ही एक्टर या जिसको हम बोलें। और दो, आई एम इंस्पायर्ड फ्रॉम माय फादर्स जर्नी। माय फादर पास्ड अवे 2 इयर्स बैक, उनकी लाइफ से इंस्पायर हुआ हूँ मैं। उन्होंने जो स्ट्रगल की है यहाँ से, उन्होंने ज़ीरो से शुरू करके अपना एक नाम बनाया, अपना एक एम्पायर बनाया था, और सफदर मोटर्स वॉज द ब्रांड, और उसी नाम से मैंने अपना फिल्म बैनर सफदर आर्ट्स भी रखा है। सो वट एवर आई एम टूडे इज जस्ट बिकॉज ऑफ माई फादर एंड बिकॉज ही वॉज माई इंस्परेशन। और उन्होंने जिस तरह से अपना एक रास्ता बनाया उसी को फॉलो करके मैंने अपना रास्ता बनाया इस इंडस्ट्री में, वगैरह वगैरह वगैरह। तो उसके बाद यही हुआ कि जब बाई द टाइम वो वक्त आया तब तक मैं थिएटर में जुड़ चुका था, मॉडलिंग कर चुका था, मेरा नज़रिया बढ़ चुका था, और कहीं ना कहीं मैंने ये डिसाइड किया था कि मुझे थिएटर ही करना है। अल्टीमेटली तो यही है कि एक्टर बन के फिल्मों में ही आना है। और जब वो अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई तब तक मुझे लगा कि शायद मैं इससे और बेहतर कर सकता हूँ, मैं इस जॉब से आगे भी कुछ और दुनिया है। और वो बहुत अच्छी कंफर्टेबल लाइफ होती, आप अपने घर पे हो, अपने फैमिली के साथ हो, और आपको ज़्यादा जद्दोजहद करने की भी ज़रूरत नहीं है। बट शायद एज दे से लाइक इट्स ऑल डेस्टिन, आपकी तकदीर में कुछ और लिखा था, तो इसलिए मैंने वो डिसीजन लिया वहाँ पे। सर, जैसे आपने बताया कि आप स्पोर्ट्स में भी थे, तो स्पोर्ट्स में कौन सी फील्ड में थे आप? मार्शल आर्ट्स में मैंने ताइक्वांडो, किक बॉक्सिंग, वुशु और मुआयथाई, इन चारों में मेरा नेशनल मेडल है। और उसी बिना पे गवर्नमेंट जॉब का भी हुआ था हमारा। मेरे दो तीन दोस्त हैं जम्मू से, उन्होंने की, और मैं एक अकेला था कश्मीर से, मैंने नहीं की, तो बड़ी गालियाँ भी खाई हैं उस टाइम पे दोस्तों से। आजकल क्या हो गया, गवर्नमेंट जॉब मिलना बहुत मुश्किल हो गया, तो आपको कभी ऐसा नहीं लगता, रिग्रेट नहीं हुआ उस टाइम पे कि क्यों मैंने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दी, अगर गवर्नमेंट जॉब की होती तो आज मैं भी घर पे होता? करेक्ट, बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे कि मैंने कहा कि बड़ी अच्छी कंफर्टेबल लाइफ होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी बड़ी अच्छी लाइफ है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर वे योर हार्ट लाइज, यू नो, यू फील लाइक, यू नो, इट्स माई पैशन, और यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर रहा हूँ। Like it's as they say, like if you do what you love doing, then you won't ever work for your entire life. तो ये बात ये थी, और ये मेरा फैसला था। और एक टाइम ऐसा था कि आज तो ऊपर वाले के फजल से नाम बन गया है, लेकिन जो ये जर्नी थी तब से 2005 में वो क्लोज हुआ था चैप्टर, और 2013 तक जब मेरी पहली फिल्म आई, उस दौरान मैंने सीरियल्स किए, डीडी काशिर का काम किया, काफ़ी शॉर्ट फिल्म वगैरह भी की। लेकिन एक फेज़ ऐसा भी था कि जहाँ पे मैंने रिग्रेट किया, यार कर देना चाहिए था, गलती कर दी यार, ऐसे पापड़ नहीं बेलने पड़ते। क्योंकि माई स्ट्रगल इज़ लाइक, यू नो, मैं 2000 फिल्में तीन रिलीज़ होने के बाद भी मैं बम्बे में एक चौल में रहता था, और मेरा फैमिली की तरफ से पढ़ाई के टाइम पे पैसे आते थे। उसके बाद मेरा डिसीजन था कि मुझे रुकना है, उनका यहाँ पे कहता कि बिज़नेस खड़ा है, सब कुछ यहाँ पर है, कम होगा, आ जाओ घर बैठ के आराम से कर लो। बट मैं, ये मेरी ज़िद थी या मेरी चाह थी, मैं रुकना चाह रहा था, तो आई हैड टू चेक माई एक्सपेंसेस ऑन माई ओन। और मेरा एक दौर ये भी था कि आई यूज़ टू हैव 1 meal a day, सिर्फ डिनर, दैट्स इट। दिन में एक जगह पे जाता था, मैं राइटिंग करता था वहाँ पे, चाय बिस्किट, दैट इज़ इट। शाम में एक टाइम, मतलब आपने अपनी जर्नी में काफ़ी ज़्यादा जो पेशेंस हैं वो रखे हैं,
आज के टाइम पे देखना हो तो यंगस्टर में पेशेंस लेवल बिल्कुल नहीं है. अगर कहीं पे मुराल थोड़ा सा भी डाउन हो जाता है तो काफी जल्दी जो है बैक स्टेप ले जाते हैं. तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है कि किस तरह से अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए उस वक्त जब आपका मुराल डाउन हो जाता है, अगर आपको कहीं सक्सेस नहीं मिल रही, अगर आपको उसको पैशन बनाना है, अगर पैशन है उस फील्ड में आपको काम करना है लेकिन सक्सेस नहीं मिल रही. मे बी सक्सेस आहिस्ता आहिस्ता मिल ही जाएगी लेकिन मुराल डाउन होने के कारण काफी जल्दी बैक स्टेप ले लेते हैं, तो उस टाइप पे किस तरह मोटिवेट? एग्जैक्टली दो चीज़ें हैं यहाँ पे. सबसे पहली चीज़, आपने जो यूथ की बात की, तो आज की डेट में पेशेंस नहीं है किसी के पास. हम अगर सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे भी हैं तो 5 सेकंड भी हम रील देखे बिना फॉरवर्ड कर देते हैं. हमारे पास 5 सेकंड का भी टाइम नहीं है. आप अगर कोई कंटेंट बनाए, अगर हम थिएटर की बात करें जिसमें हमें महीनों की रिहर्सल करनी है, महीनों के बाद हम उसको परफॉर्म करेंगे, जिसके पास वो पेशेंस नहीं है. इट्स एक्चुअली कहीं ना कहीं देखा जाए तो वी आर एडिक्टेड टू इंटरनेट एंड सोशल मीडिया सो मच. और हमें जब इंस्टेंट फेम मिलती है, हमने कई बार कोई रील वायरल हो गई तो हमारा नाम बन जाता है. और छोटे शहर में रहने के बाद क्या होता है कि अचानक से बंदे लोग स्टार बन जाते हैं और फिर इंसान हवा में उड़ने लगता है, लेकिन तैयारी होती नहीं है तो वो वहाँ से गिर जाते हैं. मेन चीज़ ये है कि तैयारी के बिना कभी कुछ नहीं होता. यू नो, आपकी प्रिपरेशन जो रहती है, जो आप खुद पे काम करते हो, जो अपनी आवाज़ पे काम करते हो. मेरे प्रोफेशन में अपनी आवाज़ पे काम करना बड़ा ज़रूरी है, बॉडी लैंग्वेज पे काम करना ज़रूरी है, अच्छी फिल्में देखना ज़रूरी है, अच्छा पढ़ना ज़रूरी है. बिकॉज जितना आप अच्छा पढ़ोगे उतने दिमाग में आपके ख्यालात होंगे और उसी चीज़ को उतना अच्छे इनैक्ट कर पाओगे. आपकी जो नॉलेज है वो चीज़ आप कैमरे के सामने दर्शाते हो. अगर आपकी नॉलेज लिमिटेड है तो आप स्क्रिप्ट तक महदूद रहोगे कि जो लिखा है मैं वही बोलूँगा बस, लेकिन उसमें आप वो फील नहीं ला पाओगे, वो आप तजुर्बे से चीज़ें नहीं ला पाओगे क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है. इट इज़ अ करियर, इट इज़ अ प्रोफेशन और हमें इस चीज़ के बारे में पढ़ना चाहिए. और अपनी एजुकेशन को कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना, इफ़ यू वॉन्ट टू बिकम एन एक्टर तो ट्रेनिंग हासिल करो, थिएटर ग्रुप्स ज्वाइन करो. जहाँ पर भी, ज़रूरी नहीं कि बॉम्बे जाओ, जहाँ हो वहीं पर शुरू करो. आज की तारीख में मोबाइल सबके पास है तो घर पर शुरू करो. हम अपने घर पे जाके एक मोबाइल से आवाज़ भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, वीडियोस भी बना सकते हैं एंड अपलोड देम ऑन यूट्यूब एंड आस्क फॉर द फीडबैक फ्रॉम द पीपल अराउंड यू. सबसे टूल बड़ा हमारे पास है. इट हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स. अगर हम इसके प्रोज की बात करेंगे तो बहुत हैं, कॉन्स की भी तो कोई लिमिट ही नहीं है. खैर, बट द पॉइंट इज उस चीज़ को हमें, देर आर बेटर थिंग्स टू डू विद योर मोबाइल एंड यू कैन लर्न अकॉर्डिंगली. एंड मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि देर आर 3 P's which a person has to, which should follow, that is passion. सबसे पहले अगर आप, आपका passion है, जुनून है, पागलपन है, तो आप कोई चीज़ करोगे. और वो चीज़ करने के लिए वक्त लगता है. Rome wasn't built in a day. तो एक वक्त लगता है, ये एक प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जीना ज़रूरी है. दूसरा आता है, सेकेंड पी इज पेशेंस. आपका पैशन बन गया तो उसमें आपको पेशेंस रखना ज़रूरी है. और आप जब भी हार मानना वाले हो, खड़ा हो जाओ कि जस्ट लुक एट द डेस्टिनेशन यू आर गोइंग. आपकी मंजिल क्या है? जो सफ़र बड़ा ज़रूरी है. ये हमेशा बहुत काफ़ी सारे कहते हैं कि जब मैं करूँगा तो बड़ा अच्छा करूँगा, मैं वो करूँगा तब करूँगा. लेकिन वो है, अच्छी बात है, मगर उसके अलावा भी ये भी है कि जो आप इन द प्रोसेस कर रहे हो, गिर रहे हो, उठ रहे हो, सीख रहे हो, वो एक जर्नी है. कल को जो आपकी प्रिपरेशन है, जब आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो उसी को हम लक बोलते हैं. अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिली और आप तैयार नहीं हो, आप कुछ नहीं कर पाओगे. और मेहनत कभी ज़ाया जाती नहीं है, कहीं ना कहीं से उसका फल मिलता ही है. और थर्ड पी है परसिस्टेंस, लगे रहो. सर, आपने एक बहुत अच्छा सवाल बीच में बोला था कि किसी को भी अगर कुछ एक्टिंग करनी है, उसको एक पैशन बनाना है, अगर आप कुछ थिएटर ड्रामा कर रहे हो तो उसी के ऊपर फोकस करो. तो क्या लगता है, जिस तरह से बाकी स्टेट्स में थिएटर ड्रामा होते हैं, क्या हमारे जम्मू कश्मीर में उस तरह के जो एक्टर्स हैं वो थिएटर ड्रामा कर रहे हैं? हमेशा से होता आया है, ऐसी बात नहीं है कि कभी रुका है. कभी थोड़ा कम हुआ बीच में, लेकिन कभी रुका नहीं. हमारी एक अनफॉर्चुनेटली एक आदत है कि रिवाइव 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 के नाम पे सभी उसको करते हैं कि मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया. चलो अच्छी बात है, जिसने भी किया लेकिन करते रहो, देयर इज़ ओनली पॉइंट. एक ही चीज़ यह है कि हमें थिएटर की जहाँ तक बात है, बहुत कम ऐसे मेकर्स हैं जो जिसमें निखार ला पाए, कुछ नयापन कर पाए, कुछ वक्त के साथ चल पाए. अदरवाइज जो हम मेजॉरिटी ऑफ थिएटर जो हो रहा है वो पुराने ही नाटक फिर से उसी तरीके से किए जाते हैं. अगर ज़माना बदल गया, टेक्नोलॉजी बदल गई, नाटक को भी एक चीज़ इंसान ऊपर ला सकता है, कहानियों को अलग तरीके से पेश किया जा सकता है.
और हम मैं अभी बॉम्बे में एक शो देखा था मैंने, उसमें अच्छे से नाटक है, एट द सेम टाइम उन्होंने उसमें अच्छे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया था, वीएफएक्स का इस्तेमाल किया था, ग्राफिक्स का इस्तेमाल किया था, लाइटिंग का इस्तेमाल किया था, तो एक एक दैट वाज अ विजुअल ट्रीट, आपको लगा ही नहीं कि आप नाटक देख रहे हो यहाँ पर उस चीज़ के। हाँ ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि थिएटर में फंड्स ज़्यादा नहीं होते, लेकिन थोड़े बहुत फंड्स हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल भी नहीं है। हमने नाटक किए हैं तब बिल्कुल वी वर नॉट पार्ट ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन या फंड हमें नहीं मिलती थी, लेकिन मिलते हैं, फंड्स भी रहती हैं थोड़े से ही सही, लेकिन हैं। लेकिन कहीं ना कहीं उस पर सर्वाइव करना एक आर्टिस्ट के लिए पॉसिबल नहीं है। इंडस्ट्री में ये हो रहा है कि अभी की डेट में जो अगर हम जे एंड के की बात करें, जो टोटल फ्रेटर्निटी है, पिछले तकरीबन 10 साल से उनके पास नई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं आई हैं, नए सीरियल्स नहीं आए हैं, और डॉक्यूमेंट्रीज जैसे भी एक बात करें, जो टीवी इंडस्ट्री है वो ऑलमोस्ट रुकी हुई है, ठप है, और उसमें हज़ारों फैमिलीज उसमें जुड़ी हुई हैं। ये मैं हर इंटरव्यू में बोलता हूँ कि उनके लिए कुछ ना कुछ इंसान को देखना चाहिए, या खुद ही हमें एफर्ट लगाना है कि हम कुछ नया कर लें। मुझे याद है 8-10 साल पहले जो मैं यूट्यूब की बात करता था सबसे, अब आज की तारीख में सबके पास चैनल है, लेकिन 10 साल पहले करते तो अभी उनकी जो रीच है, ग्रोथ है, अलग हो लेवल पे होती, तब सब कहते कि ये दुम्मो मजाक, बेजक, बेकार सी चीज़ है। लेकिन मैंने एक ही चीज़ रखी है कि अपनी लाइफ में मैंने अप्लाई किया है कि लाइक सीखते रहो, हारते रहो, उठते रहो, गलत भी करो, लेकिन गलत काम मतलब एज इन आई मेड अ फिल्म, टेक्निकली वो कितनी अच्छी है दैट्स नॉट अ पॉइंट, पॉइंट इज कि आपने कितना अच्छा एफर्ट लगाया है। जो फिल्म है मैंने मतलब मैंने एक वेब सीरीज लिखी है, एक जिसको मैंने खुद डायरेक्ट भी कर रहा हूँ, ऑन अभी शूट चल रहा है उसका, और एक फिल्म जो मैंने डायरेक्ट की है बेड नंबर 17 वो इस साल रिलीज हो रही है। तो एक ग्रोथ हर इंसान के लिए ज़रूरी है। अल्टीमेटली एज पर्सनली मुझे ये लगता है कि लाइक आई वॉन्ट टू बिकम ए फिल्म मेकर, आई वॉन्ट टू कंट्रीब्यूट टू माई सोसाइटी। सोसाइटी ने इतना प्यार दिया है, नाम दिया है, शोहरत दी है, उस सोसाइटी को वापस देना है। क्या बेहतरी के लिए मैं कर सकता हूँ? व्हाटएवर फिल्म्स वी हैव मेड टिल नाउ आर सोशल फिल्म्स, वो ज़्यादा बिकती नहीं है, वो इतना मसाला फिल्में नहीं होती, मगर एट द सेम टाइम इफ़ यू लुक एट ईरानियन फिल्म्स, फ्रेंच मूवीज, बाकी सारी वर्ल्ड सिनेमा अगर हम देखें, उसमें एंटरटेनमेंट नहीं होता बट उसमें क्राफ्ट होता है, उसमें अच्छी चीज मैसेजेस रहती हैं कहानी में। अगर हम देखें तो एक यू आर एक्चुअली रीडिंग ए अमेजिंग बुक, तो उस हिसाब से भी इंसान देख सकता है कि उसकी शैदाई भी हैं, उसको काम को पसंद करने वाले लोग भी हैं, बट रिस्क लेने वाले लोग चाहिए, तो हमें छोटा रिस्क लेके वो चीज़ें करनी हैं, और वही चीज़ रंग ला रही है आज की तारीख में। अगर ये अभी ये फिल्म बन रही है लॉकडाउन में, अगर उसका पार्ट वन नहीं बनता ये पार्ट टू भी नहीं बनता, तो आपको रिस्क लेने हैं लाइफ में, तभी आप जाकर अगला मोड़ देख पाओगे। अदरवाइज अगर हम कंफर्ट जोन में ही रहेंगे हमेशा अपनी लाइफ में, तो कभी नेक्स्ट मोड़। एग्जैक्टली राइट। सो नो इट्स टाइम फॉर रैपिड फायर क्वेश्चन सर। जी बताएं। अ फेवरेट रोल दैट यू हैव डन? जरा बजरंगी भाईजान, केसरी, हाफ विडो। राइट। एंड फेवरेट एक्टर? दिलीप साहब। यहाँ बॉलीवुड में दिलीप साहब हैं और वहाँ पर मार्लन ब्रांडो। ओके। एंड फेवरेट ओटीटी प्लेटफॉर्म? सब पे मेरी फिल्में हैं, सब अच्छे हैं। नेटफ्लिक्स अच्छा है, नेटफ्लिक्स पे अलग कंटेंट रहता है। फेवरेट फूड? वाजवान। वाजवान। ओके। एंड ड्रीम प्रोजेक्ट? ड्रीम प्रोजेक्ट जो मैं अपनी फिल्म बनाने वाला हूँ इंशाल्लाह रहमान, उसमें उसकी लिखा जे एंड के में सेटअप का प्लान है इंशाल्लाह रहमान, और अच्छी फिल्म होगी जहाँ पे हम बॉलीवुड से भी अच्छे अच्छे बड़े बड़े नाम लाएंगे और इंटरनेशनल एक्टर्स को भी लाएंगे उसमें, और यहीं पे हम खुद उसको बनाएंगे और अपने लोकल एक्टर्स जितने भी जे एंड के हैं उनको एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले, और आई विल डू माय ड्रीम रोल इन दैट फिल्म। सर कुछ अपनी मदर टंग में कहना चाहेंगे आप कश्मीरी में? बिल्कुल। बुझुस कशुर अक्सर करान, बुझुस दपा ये मैं कहाँ कशुर समखान गुडनिच कम आसान गोड़ चाहे सह कशुर मुसलमान या बट बुस कहान कशुर पे कत ओत प्ले कर्मुत जून तथा मे आशीष भाई अशुर पे कर तवे वन बहुत खुश रूजू खुशहाल रूजू आबाद रूजू मोन दुआ अल्लाह से आबाद रूजू। ओके। आज हमने आपको एक इंस्पायरिंग करेक्टर के साथ में लाया है जो जम्मू कश्मीर के यूथ के लिए उन्होंने काफ़ी अच्छा मैसेज दिया है कि किस तरह से आपको इंस्पायर होना चाहिए और अपने आप को मोटिवेट करना चाहिए, कभी भी लाइफ में बहुत जल्दी बैक स्टेप नहीं लेना चाहिए, बहुत सारी मुश्किल आती है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं मुश्किलों से आप नया सीखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका शो में आने के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी एंड कीप अप द गुड वर्क। फिर मिलाएंगे किसी और इंस्पायरिंग पर्सनैलिटी के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इंस्पायर्ड जेन ज़ी। थैंक यू।
हूँ।